कि जीटीए का चुनाव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह केंद्र सरकार खारिज कर दे, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसमें सिग्नेटरी है। संसद को शीतकालीन अधिवेशन में फेरी बोले दार्जिलिंग पहाड़ तराई अनि डुवर्स को स्थायी राजनीतिक समाधान को निम्ति सांसद राजविष्ट सदनलाई जीटीए को खोले पोल, जीटीए चुनाव खारेज गरिनु पर्ने राखेमा। शीतकालीन सत्र को अधिवेशन में दार्जिलिंग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सांसद राजु विष्टले बुधवार सदन में जीटीए को कुरा राख्ते अलग राज्य को मांग पुरानो रहेको जनाउँदै सेमी अटोनोमस बॉडी को निम्ति दुईचोटी प्रयोग भएको बताए। सन् 1988 को अवधि में एकपल्ट दार्जिलिंग गोर्खा हिल काउंसिल अनि 2012 केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार अनि दार्जिलिंग को क्षेत्रीय पार्टी को माध्यमले जीटीए गठन गरिएको पनि सदन में अवगत कराए। सांसद विष्टले 2017 में जीटीए को अस्तित्व समाप्त भइसकेको जनाउँदै त्यसताका जीटीए को मेन सेक्रेटरीले पनि जीटीए बाट पूर्ण रूप में त्यागपत्र दिएको साथै विघटन गरेको सदनमा बताए। तर 2017 पछि दार्जिलिङमाथि एउटा ग्रहण लागे अनि तृणमूल सरकारले यसलाई लिएर राजनीति गरिरहेको तिनले आरोप लगाए। सांसद विष्टले टीएमसीले कहिले पनि गोर्खाप्रति कुनै असल व्यवहार नगरेको बताउँदै 2017 पछि बिना चुनाव अहिलेसम्म जीटीएमा नन इलेक्टेड व्यक्ति कहिले ब्युरोक्रेटलाई कहिले आफ्नो राजनीतिक मित्रलाई राखेर जीटीए चलाउने गरेको सदनमा कुरा राखे। तिनले जीटीएलाई यसरी सञ्चालन गरिएको कारण क्षेत्रको जनताको धेरै नोक्सान भएको बताउँदै दार्जिलिङ तराई अनि डुवर्सको लामो समयदेखि चली आइरहेको मागप्रति कुनै राजनीतिक समाधान होस् भन्ने हेतुले हालैमा केन्द्र सरकार, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि क्षेत्रको एलायन्स पार्टीहरूबीच त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको तथा वार्ता चलिरहेको पनि सदनलाई अवगत गराए। तिनले पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री दार्जिलिङ जान्छ अनि फेरि जीटीए चुनाव गराउने कुरा गरेर दार्जिलिङको माहौल पूर्ण खराब भइरहेको बताए। तिनले सदन मार्फत केन्द्र सरकारप्रति निवेदन गर्दै जीटीएको चुनाव कदापि नगराउने अनि केन्द्र सरकार पनि यसमा सिग्नेटरी रहेको हुनाले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिने अपिल गरेका छन्। अर्कोतिर सांसद विष्टले स्थायी राजनीतिक समाधान हुने जनाउँदै यसले राष्ट्रको भलाइ, गोर्खाहरूको भलाइ हुने, क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको भलाइ हुने अनि यसले सिक्किमलाई पनि लाभ हुने सदनलाई अवगत गराए। सर, दार्जिलिंग में जीटीए नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी चलती है, उसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। सर, दार्जिलिंग में हम सब जानते हैं अलग राज्य की मांग बहुत पुरानी है और इसके साथ ही दो बार जो है सेमी ऑटोनोमस बॉडी को लेकर के प्रयोग हुए। 88 के अंदर में एक बार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और 2012 में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग के जो वहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी उनके माध्यम से जो है जीटीए बना। और 2017 में जीटीए का अस्तित्व ख़त्म हो चुका है और जो उसके मेन सिग्नेटरी थे उन्होंने भी जीटीए से पूरी तरह त्यागपत्र दे दिया और जीटीए को डिसॉल्व कर दिया। लेकिन हुआ यूँ कि 2017 के बाद दार्जिलिंग के ऊपर में एक ग्रंट सा लग गया और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार उसको लेकर के राजनीति कर रही। वैसे भी टीएमसी का कभी भी गोरखा के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं रहा और 2017 के बाद बगैर चुनाव के अभी तक जो है जीटीए नॉन इलेक्टेड व्यक्ति कभी ब्यूरोक्रेट को या अपने पॉलिटिकल जो उनके मित्र हैं उनको बिठा करके चलाया जा रहा है और इसकी वजह से क्षेत्र की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के जो अलायंस पार्टी है उनके बीच में ट्राइपार्टाइट टॉक स्टार्ट हुआ है कि दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जो लंबे समय से चली आ रही मांग है उसका कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाए इसको लेकर के, और ये वार्ता चल भी रही है। लेकिन इसी बीच जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दार्जिलिंग जाती है और दोबारा से जो है जीटीए चुनाव कराने की बात करते, इससे दार्जिलिंग का माहौल दोबारा खराब हो रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जीटीए का चुनाव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह
केंद्र सरकार खारिज कर दे, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसमें सिग्नेटरी है। दूसरी बात, जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा सर, एक मिनट, उससे राष्ट्र का भला होगा, गोरखाओं का भला होगा, उस क्षेत्र में रहने वाले जनताओं का भला होगा, और इससे सिक्किम का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जाने अनजाने सिक्किम के ऊपर में भी बहुत नुकसान जो है होता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।